दोस्तों आपने बहुत तरीके की मछली बना के खाते खाते बोर हो गए होंगे, तो आज दोस्तों प्रयासी फिश यूनिक तरीके से बनाने का तरीका आपको बताएंगे। जो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मस्त इस तरीके से बनता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं अल्पना सरोज स्वागत करती हूँ आप सभी का स्वादिष्ट भोजन चैनल में। तो यूनिक तरीके से प्रयासी फिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है फ्राई वाला प्याज। तो 4-5 प्याज को आपको इस तरीके से फ्राई कर लेना है दोस्तों, ये देखिए लाल पूरा कर लेना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो इसे हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे, तो जितनी मछली है उस हिसाब से आप इसे कम ज्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने काजू को फ्राई करके लिया है, इनका हम बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और अदरक को लिया है, इसे भी मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ मैंने खड़े गरम मसाले वगैरह लिए, इसे भी इसी में हम ऐड कर लेंगे। इसमें पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ देखिए दोस्तों चूल्हा मैंने जला दिया, कढ़ाई भी रख दी, इस पर सरसों का तेल हम डाल देंगे। कढ़ाई में तेल को इधर गर्म होने देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों मैंने प्रयासी फिश 1 kg लिया है, जो कि मैंने इसे धुल के साफ कर लिया है। ये मछली 1 कांटे की होती है, साथ ही दोस्तों इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, ये ऑयली मछली होती है। तो मछली में हम डालेंगे दोस्तों यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और मछलियों में अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों अभी तक स्वादिष्ट भोजन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल की घंटी है उसे बजाना आप नहीं भूलिएगा। तो मछली मैंने अच्छे से हल्दी को मिला दिया है। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया दोस्तों। तो मछलियों को हम कलछुल में रख के इस तरीके से डालेंगे, इससे क्या होगा आपके हाथ जलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप मछली हाथ से डालेंगे तो तेल के जो छींटे होते हैं उछल के आपके हाथ पे आ सकते हैं, जल सकते हैं आपके हाथ। तो आप सावधानी से ही मछलियों को फ्राई करें और थोड़ा दूर रह के ही फ्राई कीजिए, क्योंकि मछली चिटकती है दोस्तों, तो तेल वगैरह आपके ऊपर आ सकते हैं। तो मछली आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब अच्छे से एक तरफ सेट हो जाए तब आप इसे पलटिए दूसरी तरफ। दोस्तों मछली जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही नखरा करती है, क्योंकि पलटते समय इधर उधर भागती है और भागने के चक्कर में टूट जाती है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से पलट देना है। दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपने हमें फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे दी आईडी पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो मछली अच्छे से फ्राई हो गई, इसे निकालेंगे अलग बर्तन में। सेम तरीके से सारी मछलियों को हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों, बची हुई मछली जो है। तो यहाँ मैंने सारी मछली को फ्राई कर लिया है, तो बचे हुए तेल में हम तड़के ऐड कर देंगे। तो तड़के में दोस्तों यहाँ देखिए मैंने अदरक लिया जो इससे पतला पतला कट किया है, उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्च को पतला काट लिया है, और यहाँ पे मैंने कलौंजी लिया है, या आप इसे काला जीरा भी कह सकते हैं। तड़कों को अच्छे से भून लेंगे। तड़के जब अच्छे से भून जाए दोस्तों तो हमने जो पेस्ट पीसा था उसे डाल देंगे, अदरक लहसुन वाला। तो इनको अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे, चूल्हे की आंच हम मीडियम इस समय कर देंगे, धीमी आंच पे इनको हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये 1-2 मिनट के अंदर अच्छे से भून जाए दोस्तों तो आपको इसमें सूखे मसाले ऐड करने हैं। तो सूखे मसाले में सबसे पहले आपको डालना है 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसके बाद आप इसमें डालिए 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद इसमें डालिए 1 चम्मच नमक के स्वाद के अनुसार। उसके बाद दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे हम 3 टमाटर मीडियम साइज के। उसके बाद दोस्तों इन मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, मतलब जब तक टमाटर गल ना जाए तब तक इसे हमें भूनना है धीमी धीमी आंच पे, 2 से 3 मिनट तक आपको भूनना है। आप चाहे तो इसे ढक के भी भून सकते हैं मसालों को। उसके बाद दोस्तों इसी टाइम पे हम इस पे डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए है। उसके बाद दोस्तों इसमें ऐड करेंगे हम प्याज वाला पेस्ट, जो हमने भुना हुआ प्याज पीसा था, काजू और प्याज को इसे डाल देंगे। जब मसाले हल्के से आधे पक जाए दोस्तों तभी आप प्याज वाला पेस्ट डालिए, क्योंकि प्याज पहले से भुना हुआ है। इसको डाल के अच्छे से मिलाते हैं और 2 मिनट तक और भुनेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह अच्छे से गल गए हैं, तो बस इसी टाइम पे हम पानी डालेंगे, मसाले अच्छे से पक गए हैं तो पानी जितनी जरूरत है उतनी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो बस मिलाने के बाद दोस्तों इसे हम ढक देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे मसालों को हम अच्छे से उबाल लेंगे, ग्रेवी को पकने तक पकाएंगे, मतलब अच्छे से पक जाए। तो ग्रेवी को पकते हुए टोटल 3 मिनट हो गया है। 3 मिनट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही मस्त गाढ़ी हो गई है, ये देखिए
बहुत ही परफेक्ट ये पक गई हुई है। तो बस इसी टाइम पे हमने जो मछलियों को फ्राई करके रखा है उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों प्यासी मछली पकने में टाइम बिल्कुल नहीं लेती, 2 मिनट पहले आप इसे डालिए उतारने से पहले। तो बस इसे हम यहाँ पे डाल दी हूँ और अच्छे से ग्रेवी में मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों 2 मिनट इसे हम और पकाएंगे ढक के। बस तो मछली पकते 2 मिनट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त यूनिक तरीके से हमारी प्यासी फिश बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो बस इस समय चूल्हे की आंच हम बंद कर देंगे और ये देखिए बहुत ही मस्त बनी हुई है। देखिए दोस्तों हम जो नॉर्मल रोज रोज वही तरीके बनाते हैं तो थोड़ा हट के हमें बनाना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आज हम कैसे बनाएं जो इससे भी अच्छी बने जो हम नॉर्मली बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की, शायद आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब इसमें हम ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे, उसके बाद इसे हम चूल्हे पर से उतार के नीचे रख लेंगे। इसकी ग्रेवी दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त हुई है, ये देखिए ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हुई है, ठीक हुई है और मछली एक भी टूटी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। अगर दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी मछली बनाइए 2 मिनट पहले उसे डालिए, बस 2 मिनट में इसका फ्लेवर वगैरह ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये दोस्तों चावल रोटी से खाने के लिए तैयार है। आपके घर कोई भी नया नए माने रिश्तेदार कोई भी आया तो आप उनको बना खिला सकते हैं, ये अपने नया तरीके से यूनिक तरीके से इसे बना बना के उनको इंजॉय करा सकते हैं, आप भी अपने फैमिली वालों को इंजॉय करा सकते हैं। और अगली आपको कौन सी वीडियो देखनी है वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपके लिए रेसिपी बनाने की कोशिश मैं पूरा करूंगी। ये देखिए प्यासी फिश, मुझे तो ज्यादा करके देसी मछली पसंद है पर हर तरह की मछली खानी चाहिए, क्योंकि हर तरह की मछली में अलग अलग तरह के प्रोटीन तत्व पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त बनी हुई है, चेक करके बताते हैं कि स्वाद खाने में कैसा है। कांटा इसमें बिल्कुल नहीं, तो एक ही कांटा होता है जो बीच का मोटा कांटा। बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों, जो काजू का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही मस्त लग रहा है और काजू हर किसी को पसंद होता है, काजू बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर लाया है, बहुत ही मस्त लग रहा है। भुना वाला प्याज को जो स्मेल है उसका अलग ही, मतलब इसमें हर एक चीज जो है अलग अलग फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो जल्दी से जाइए यूनिक तरीके से इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और मुझे प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई रेसिपी के साथ।